भिक्षु जो होते हैं जब वो कहीं जाते हैं तो कई बार उनको भिखारी समझ लिया जाता है। ये बड़ा अहम सवाल है वैसे तो, सुनने में और बोलने में बड़ा अजीब लगता है, तो भिक्षु और भिखारी में क्या फर्क होता है वो आप हमें प्लीज बताएं। भिक्षु जो शब्द है भगवान बुद्ध ने अपनी परिभाषा में कहा है, भिक्षु वह है जिसमें तृष्णा का, माया का, मोह का, लोभ का, आशा का, तृष्णा का क्षय हो गया हो और वो भिक्षु है। भिक्षु वह है जो धम्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद धम्म का ज्ञान जगह जगह दे। लेकिन इसी रूप में अगर एक साधु अनेक ब्रह्मचारी लोग भिक्षा मांगने का काम करते हैं, उनके पास कोई कल्याणकारी रास्ता नहीं होता, कोई कल्याणकारी कोई ज्ञान नहीं होता, वो केवल भीख मांगते हैं, परिवारों में घर घर जाकर के भीख मांग करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। लेकिन भिक्षु जो होते हैं धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आगे जाते हैं, वो भिक्षा मांगने का काम नहीं करते, वो धर्म को आगे बढ़ाते हुए वो धर्म के रास्ते पर चलाने का काम करते हैं। भिक्षु दान मांगते हैं, सबसे पहले वो ज्ञान का दान देते हैं, उसके बाद जो ज्ञान मिलता है उसे अपने जीविका की पूर्ति करते हैं। लेकिन जो भिखारी जो होते हैं वो जो घर घर में जाकर के भीख मांगते हैं, वो अपने स्वार्थ की और अपने परिवार की पूर्ति करते हैं। भिक्षु में और भिखारी में इतना अंतर है, भिक्षु जो होता है वो भिखारी नहीं होता, वो एक ज्ञानी होता है, धम्म के प्रचार प्रसार में लगा होता है, प्रचार प्रसार करने में अपने कामयाबी का हासिल। हमने ये सवाल बहुत भिक्षु से इसलिए पूछा क्योंकि लोग कई बार मिसगाइड हो जाते हैं और उनको भिखारी समझ लेते हैं, जबकि भिक्षु जो होते हैं भिक्षा इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनको धर्म का ज्ञान का प्रचार करना होता है, तो वो प्रचार करते हैं उसके बाद में वो भिक्षा मांगते हैं। तो हमारे चैनल से आपने बात करी, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।